देख रहे हैं gmasan.com में, मैं हूं आपके साथ वागीशार। आज हमारे बीच मौजूद है नीम प्लांटेशन के अध्यक्ष किचन लाल सोमानी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन यह है कि नीम प्लांटेशन की शुरुआत कहां से हुई, कौन से संगठन ने इसकी शुरुआत की? एक अखिल भारतीय स्तर पे मारवाड़ी महासभा है जिसने राजस्थान में लाखों नीम के पेड़ लगाए हैं, जिनको वृहद अनुभव है, कई वर्षों से 10-15 साल से वो लगाते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान का पर्यावरण चेंज हुआ है। वहाँ पे बारिश शुरू होने लगी है जो अभी तक सूखे हो चलते थे, और पर्यावरण में ये वो इसके अध्यक्ष हैं महेश राठी, बॉम्बे में बहस है ये, और इन्होंने हर प्रांतों में लाखों नीम के पेड़ लगवाए हैं और कई को मोटिवेट करते हैं। ये कोई किसी भारत रत्न से कम वाली पर्सनालिटी नहीं है, पर वो उससे बड़ा काम करते हैं। इन्होंने इसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने लाइफ में खुद ने नीम के पेड़ लगाए। मैं इससे 5-7 सालों से एसोसिएट था इस सभा से, और पंचकोशी यात्रा करता हूँ मैं, जिसकी वजह से मैंने हजारों नीम के पेड़ लगाए हैं उस रास्ते में 150 किलोमीटर में। तो सर आपने, जैसे कि आप अध्यक्ष हैं, तो आपने कहाँ से इसकी पहल की, आपने अभी तक कितने पेड़ लगाए हैं? हमने यहाँ पे अभी 2-3 महीने हुए जब हमने इसको शुरू करा है। मारवाड़ी महासभा ने हमको मालवा में 1,00,000 पेड़ लगाने के लक्ष्य हमको निर्धारित किया है। ये पेड़ के शुरुआत बारिश में ही होती है। अभी हमने शुरू करा है, हम 373 पेड़ लगा चुके हैं अभी तक। 373 पेड़ कई स्कूलों में और कई संस्थाओं में, मूक बधिर संस्था में, कुष्ठ रोगी संस्था में, ऐसी इंस्टीट्यूशनल करके हमने ऐसे लगाते हैं। इसका मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, क्या कि पेड़ लगे हैं बराबर, उसका देख रेख हो रही है। तो सर ये जो पेड़ लगते हैं, ये सिर्फ बारिश में लगते हैं, ऐसा कोई उपाय होता है इसका कि बारिश में इनको कोई हानि ना हो पेड़ को? पेड़ का हम पूरी तरह से इसकी सुरक्षा, पेड़ यदि लगेंगे नहीं, लाखों पेड़ लगाए हैं तो सुरक्षा हुआ है, पर्यावरण चेंज हुआ है, उसके ट्री गार्ड ये वो हम पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे आपने अपने घर पे लगाने के लिए एक हमको कॉल किया, तो हम नीम का पेड़ देते हैं, उसके साथ में उसको एक कंप्यूटर चिप देते हैं उस पेड़ से लगी हुई, वो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हम 5 साल तक उसकी ग्रोथ मॉनिटर करते हैं, और 5 साल में यदि 1 साल के बाद में किसी वजह से आपका पेड़ वो खत्म हो गया, तो उसकी जगह हम 2 साल का पेड़ ग्रोथ करा हुआ वहाँ लगा के वो गैप जो है उसको मीट आउट करते हैं। 5 साल तक उसका मॉनिटरिंग करते हैं, और फिर वो जब अपना आप जीने लायक हो जाता है तब वो उसको। सर मध्य प्रदेश में किन किन जगहों पर आप पेड़ लगा चुके हैं? अभी हमने शुरू करा है, अभी इंदौर के आसपास में के उसमें स्कूलों में और ये इंस्टीट्यूशंस में हम लगाते हैं। अभी हमको लक्ष्य दिया है इंदौर उज्जैन रोड, इंदौर उज्जैन रोड पे अभी हम इस बारिश में 30,000 पेड़ लगाएंगे वहाँ से, फिर इंदौर उज्जैन, उज्जैन पंचकोशी मार्ग, पंचकोशी उज्जैन से फिर देवास, देवास से इंदौर वापस, ये बेल्ट में हम पूरा नीममय बनाने का लक्ष्य 1,00,000 पेड़ से दिया गया। तो हम ऐसे 2-3 सालों में इसी फेज में इसको पूरा करेंगे। तो सर आपको जैसा कि 1,00,000 का टारगेट दिया है, तो अभी तक आपने इंस्टीट्यूट पे, कॉलेज, स्कूल्स में लगाए हैं। सर अगर घर वगैरह में लगा सकते हैं, जैसे किसी का कॉल आता है, तो कैसे आप उनको कनेक्ट? हम उसको पेड़ दे देते हैं जी, उसके यहाँ पे जाके लगाते हैं, उसको उससे उसकी अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, फिर उनके पास जगह है तो वहाँ लगा देते हैं, नहीं तो वो जहाँ बोलेंगे वहाँ पे हम हमारे अपने जो ये 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर ये जो 50 किलोमीटर उज्जैन चलेंगे ना, इसमें हम लगा देते हैं उसके नाम के, वहाँ पे पत्ती लगा देते हैं। सर आगे कहाँ कहाँ लगने ये पेड़? हमारा तो 1,00,000 पेड़ों का लक्ष्य है, हमारा इंदौर उज्जैन, उज्जैन से पंचकोशी, पंचकोशी वो फिर उज्जैन से देवास, देवास से इंदौर। सर जैसा कि आपने बताया कि बारिश में आपने 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं, तो गर्मी में सर उनको कैसे बचाना, गर्मी से कैसे बचा सकते हैं? हम पेड़ वहीं लगाते हैं जहाँ पे पानी की सुविधा और मॉनिटरिंग हो सके। स्कूल में लगाते हैं तो सब बच्चे लोग पानी देते हैं, इंस्टीट्यूशन देते हैं, मूक बधिर संस्था में लगाया, कुष्ठ संस्था में लगाया, जहाँ पहले MY में लगाए हमने बहुत सारे पेड़, तो जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था और जो कोई देखभाल कर सकता है वो जिंदा रह सके पेड़, इसका पहले सुरक्षित उपाय करते हैं, उसके बाद में पेड़ लगाते हैं जी। सर तो किन किन लोगों को आप पेड़ ये देते हैं, जैसे आपने बताया कि जो 5 लोग 5 से अधिक वो पेड़ लगा सकते हैं, तो किन किन लोगों तक ये पेड़ अभी तक पहुँचा? घर के लिए घर घर
घर के लिए इंडिविजुअल तो 10-15 लोगों ने ले गए हैं अलग अलग उसमें, पर कोई भी आए तो हमारे यहाँ स्वागत है, हमारे है हम उसको घर ले जाके देते हैं, फ्री डिलीवरी देते हैं और उससे उसका अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, हम उसको लगा देते हैं। तो सर मेरा सबसे आगे क्वेश्चन है कि इसका आधा क्या है नीम पेड़ लगाने का, जैसे आपने कहा कि राजस्थान में नीम जो है पर्यावरण के लिए सबसे बेस्ट पेड़ है ये, उसमें इसका औषधि उपयोग ये वो शास्त्र से चिरातन काल से वे शास्त्र पुराण औषधि आयुर्वेद इन सब में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है, वो नीम से अच्छा पर्यावरण के लिए शुद्ध हवा के लिए ऑक्सीजन के लिए और कोई दूसरा पेड़ होता नहीं है, इसलिए इसी को लगाते हैं। तो ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे और ऐसे ही गेस्ट से हम आपको मिलाते रहेंगे, आप देखते रहिए घमासान.com। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.